अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम तनवीर हुसैन है, आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी ऑफिसर सेकेंड लेवल कोर्स के बारे में, आयोश और ओशा कोर्स के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी अवॉर्डिंग बॉडीज हैं, किस कंट्री की ये सर्टिफिकेशन है, और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आप लोग की वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस कोर्स के लिए। तो आज मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा इस कोर्स के बारे में, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। और नए आने वाले जो मेरे मेंबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब इसलिए कर दें ताकि मेरी नए आने वाली तमाम वीडियोज आप लोग को आपको बर वक्त पहुंच सकें। तो गाइज, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है सेफ्टी ऑफिसर लेवल टू आयोश और ओशा कोर्स के बारे में। आपने जैसे पहले हमारी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने आपको सेफ्टी ऑफिसर लेवल वन के बारे में बताया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप दूसरी वीडियोस देखें ताकि आप मुकम्मल तफसील से ये समझ सकें कि सेफ्टी ऑफिसर फील्ड क्या होती है और इसमें कितने लेवल्स होते हैं। तो हम आज सेकेंड लेवल कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको बता रहे हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर सेकेंड लेवल जो कोर्स होता है आयोश, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, MS होता है मैनेजिंग सेफली। ये एक यूके की सर्टिफिकेशन है, आयोश एक अवॉर्डिंग बॉडी है इंटरनेशनल यूके की, जो ऑक्यूपेशन सेफ्टी की सर्टिफिकेशन जो है वो जारी करती है सेकंड लेवल की। तो अगर आप आयोश कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 1 मंथ में करवा रहा है। 1 मंथ आपको इसकी असेसमेंट करवाई जाती है, मुकम्मल ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे पास जो है वो अप्रूव ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगी जो यूके से आएगी। तो सेकेंडली इसमें ओशा है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ओशा सर्टिफिकेशन जो है ये अमेरिकन अवॉर्डिंग बॉडी है, ओशा एकेडमी या डिफरेंट बॉडीज हैं जो ये सर्टिफिकेशन जारी करती है। तो अगर आप ओशा कोर्स करना चाहते हैं, आयोश जो है वो यूके की अवॉर्डिंग बॉडी थी और ओशा जो है ये अमेरिकन अवॉर्डिंग बॉडी है, तो अगर आप ओशा करना चाहते हैं तो उसकी भी 1 मंथ ट्रेनिंग है। 1 मंथ के बाद आपकी सर्टिफिकेशन जो है वो अमेरिका से आती है। तो गाइज, ये थी सेफ्टी ऑफिसर सेकंड लेवल की इंफॉर्मेशन। इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया आपको बता दिया कि मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। सेकंडली इसमें आपके पास एज क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी एज के हैं तो आप ये कर सकते हैं। और थर्ड, इसका जो स्कोप है दोनों लेवल्स का वो गल्फ कंट्री में बेतहाशा है। अगर आप ये करना चाहें तो ये कोर्स करके गल्फ कंट्री में काफी सारी इसकी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, आप वहां पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तीनों में से कोई भी लेवल करना चाहते हैं तो आप यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की हेल्प नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.unitedcollege.com.pk। तो गाइज, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नए आने वाली तमाम वीडियो जितनी भी टेक्निकल कोर्सेज के हवाले से हैं या ऑक्यूपेशन सेफ्टी कोर्सेज के हवाले से हैं या मैनेजमेंट कोर्सेज के हवाले से हैं आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो अभी के लिए इजाजत चाहता हूं, अल्लाह ने के बाद।